गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज। लेकिन इससे पहले के वीडियो में हमने क्या देखा था, जो हमारा था टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज, उसमें क्या था हमारा नंबर वन था टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज दो तरह का था, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा है। अब ये कितने तरह का था, चेन आइसोमेरिज, मैंने पांच तरह की इसमें बात की थी। तो पहला था चेन आइसोमेरिज, दूसरा था पोजीशन आइसोमेरिज, तीसरा था फंक्शनल आइसोमेरिज, चौथा मेटामेरिज और पांचवा टाटोमेरिज। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज। तो सबसे पहले मैं इसके डिटेल बता दूं ये कितने टाइप का होता है और इसके अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं। सबसे पहले बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज की, तो ये दो तरह का होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज हमारा दो तरह का, पहला कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज, दूसरा कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज। तो अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज में फिर हमें पढ़ना है, फिर कन्फर्मेशनल में भी कुछ टाइप हैं। कन्फर्मेशन तीन तरह का है, ए बी एंड सी। पहला है इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, और दूसरा स्टेगर्ड, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन, और तीसरा है हमारा स्क्यू। कन्फर्मेशनल में हमें ये तीन तरह का पढ़ना है, इक्लिप्स्ड, स्टेगर्ड एंड स्क्यू, और एंड कॉन्फ़िगरेशनल में हमें कॉन्फ़िगरेशनल पहले पढ़ना है, फिर कॉन्फ़िगरेशनल में हमारा आएगा दो तरह का। तो पहला और ये दूसरा, तो इसमें नंबर ए आएगा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, और इसमें आएगा बी वाला ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज। अब ज्योमेट्रिकल के अंदर भी हमारा कुछ टाइप आएगा, ज्योमेट्रिकल के अंदर हम पढ़ेंगे इसमें। अब हम करें इसका टाइप सिस, और इसका इस्माल भी लिख लें ट्रांस। ज्योमेट्रिकल हमारा दो तरह का होगा, पहला होगा सिस, दूसरा होगा ट्रांस, और दो ही तरह का होता है। और इसमें हम सिस ट्रांस जब हमारा ये नॉमेंक्लेचर नहीं हो पाता है तो इसमें हम पढ़ते हैं एक और नॉमेंक्लेचर, ईजेड नॉमेंक्लेचर। ज्योमेट्रिकल हमारा दो तरह का, ये दोनों, जब ये दोनों नहीं पकड़ तो ये हो जाएगा हमारा। अब ऑप्टिकल, ऑप्टिकल हमारा होता है ये भी दो तरह का, पहला होता है इस्माल, हम इसे लिखे हैं इसे इस्माल भी डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो, लीवो रोटेटरी। तो इतने टाइप का ये होता है। तो आज हमें पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज, इसमें मैं बताऊंगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज, ये इतना आज की वीडियो में हम इतना देखेंगे ये वाला पार्ट, और बाकी का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉन्फ़िगरेशनल में। ज्योमेट्रिकल देखेंगे एक वीडियो में, फिर उसके अगली वीडियो में देखेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो इतने में बनेंगे हमारी तीन वीडियो, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज को, फिर उसके बाद करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज को। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज। तो स्टीरियो आइसोमेरिज को हम शुरू करते हैं उसकी डिफिनीशन से। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन स्पेस।
आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज। या इसे अभी हिंदी इसकी सुनिए, स्टीरियो आइसोमेरिज में उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होगा, बट उसमें क्या डिफरेंट होगा, उसका जो थ्री डायमेंशनल में जो शेप है, जो स्पेस में शेप है, उसमें स्पेस में कुछ चेंज होगा। मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ, किसी एटम और ग्रुप का जैसे कि स्पेस में चेंज हो, जैसे एग्जांपल अगर हम लें स्टीरियो, हम सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज ये शुरू किया, ठीक है, हमारी हेडिंग ये, इसके एग्जांपल में क्या ले लें हम, चलिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये रहा हमारा, इधर हम ए लगा दें, इधर ए लगा दें, इधर बी और इधर सी। तो अब हमें क्या करना है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम है, लेकिन हमारा क्या डिफरेंट है, किसी भी एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट, यानी कि सी अगर यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर दोनों ए इसी पोजीशन पर रहे, ये सी ऊपर और बी को हम नीचे कर दें, तो क्या हुआ, इसकी पोजीशन सिर्फ चेंज हुई है स्पेस में, इसकी एक स्पेस में यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर एक स्पेस जैसे, तो इसमें इसकी पोजीशन चेंज हुई है, ये सी नीचे था अब ये सी इसमें ऊपर चला गया। जैसे कि अगर आप इसको अगर फ्लिप करा कर रोटेट करा दें, इसको ऊपर कर देंगे, तो ए ए की जगह ए ही आएगा और ये नीचे वाला ए इधर आ जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा और बी नीचे चला आएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बट इसका जो सी का ये जो सी था ये ऊपर चला गया और ये जो बी था वो नीचे आ गया। तो इसमें यही डिफरेंट होगा, किसी भी एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट स्पेस में चेंज होगा। अब बात करें इसकी टाइप की, तो ये दो तरह का होता है, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगुरेशनल। अब हम देखने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज, तो ये हो जाएगी अब हमारी हेडिंग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज। तो इसको शुरुआत करेंगे हम इसकी डेफिनेशन से, तो इसके डेफिनेशन में थोड़ा देख कर रीड करूँगा ताकि इसमें गलती ना हो, ठीक है। दो स्टीरियो आइसोमेरिज विच आर ऑब्टेन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ग्रुप अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज क्या है, वह स्टीरियो आइसोमेरिज में जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो, उसमें होगी हमारी कन्फर्मेशनल आइसोमर, उसे हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर एंड उस फिनोमेना को हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज। अब इसको आप देख लीजिए, इसको हम समझेंगे सबसे पहले, इसका एक एग्जांपल लेकर समझेंगे इसका, जिसको हम कहेंगे एथेन। तो एथेन का जब करेंगे, तो एथेन में जब हम करेंगे तो उसका एक और हेडिंग हम यहाँ पर बना सकते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ एथेन। कन्फर्मेशन ऑफ एथेन में हम यही तीन टाइप पढ़ेंगे, इसका कन्फर्मेशन, इसका एंड इसका एथेन का इक्लिप्स देखेंगे, एथेन का इक्लिप्स स्टेगर एंड स्क्यू। तो इन तीनों को देखने से पहले आपको टर्सनल एंगल बता दूं, जो कि इन तीनों की डिफिनीशन में यूज होगा, टर्सनल एंगल इसकी डिफिनीशन में यूज होगा। तो टर्सनल एंगल क्या है, टर्सनल एंगल जैसे कि फ्रंट एंड रियर कार्बन के बीच अगर हमारा एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है, तो इसकी अगर मान लीजिए कुछ शेप इस तरह से है, तो इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में कितना एंगल है, ये आपको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना होगा। जैसे कि ये पीछे की साइड है, इसको उठाकर जब यहाँ से उठाकर इसको ऊपर की साइड इस तरह से देखेंगे, जैसे कि ये यहाँ पर है, ये बॉन्ड आपको इस साइड से इस तरह से हो, ये वाला बॉन्ड जो है वो इस तरह से हो, फिर ये तीन बॉन्ड जो है वो इस तरह से यहाँ पर, फिर तीन बॉन्ड इस तरह के इसके पीछे हो, तो इसमें टर्सनल एंगल जैसे कि ये आपको इस तरह से दिखेगा, ये इस लाइन जो है, ये वाली लाइन इसके एकदम पीछे दिखेगी, ये वाली लाइन इसके पीछे दिखेगी, तो इसमें टर्सनल एंगल ज़ीरो होगा। थोड़ा सा अभी मैं इसको और समझाने की कोशिश करूँगा, पहले आप समझिए टर्सनल एंगल क्या है। तो इन दोनों के बीच में आप टर्सनल एंगल अगर ज़ीरो है
इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल होगा उसे हम कहेंगे टर्सनल एंगल। अब बात आती है इक्लिप्स की। इक्लिप्स कन्फर्मेशन, इक्लिप्स कन्फर्मेशन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? अब ये इसका टाइप है तो इसकी डिफिनीशन होगी इस जीरो डिग्री, हैविंग जीरो डिग्री टर्सनल एंगल इज नोन एज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो इसमें क्या है, तो जीरो डिग्री कन्फर्मेशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर हमारे पास कोई ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसके बीच के एंगल कितना होता है, इसके बीच का एंगल होता है 120। ठीक है, और अगर इसके ऊपर हम एक और इसको हम उलट के रखें, जैसे घुमा करके इसको, ये वाला बाण ऊपर की साइड था, इस बाण को हम नीचे की साइड इस तरह से बनाएं, कुछ नीचे की साइड नहीं मतलब इसको इस थोड़ा सा, तो एक और कन्फर्मेशन है जैसे कि ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर है, अब हम दूसरा कोई बनाएं यहाँ पर एक इस तरह से जो इसके बीचों बीच हो, जो हमारा 120 था, ये 120 इसके बीच से एक बाण निकले यहाँ से, और दूसरा वाला यहाँ से, और तीसरा वाला इन दोनों के बीच से यहाँ से, तो इसके इनके इनके बीच के बाण का एंगल था 120। अब ये जो इसकी हाफ डिस्टेंस है, ये वाला बाण निकला है तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 60। इसके हाफ से यहाँ से अगर कोई आप बाण इधर से निकालेंगे तो इसके बाण का एंगल कितना होगा, 60 होगा। हाँ, एक और यहाँ पर अगर ये हमारा इस तरह से है और इसकी अगर एकदम सेम पीछे ही अगर कोई यहाँ पर एकदम इसे सटा हुआ यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसके पीछे होगा तो इसके बीच का एंगल जो है वो एंगल ज़ीरो। ये तो थोड़ा टू डी में बनाने के लिए इसको थोड़ा सा आप इस तरह से दिखाएंगे ताकि ये बने, लेकिन ये अगर ये आप थ्री डी में इमेजिन करेंगे तो ये इसके बिल्कुल पीछे होगा। अगर आप आगे वाला देख रहे हो, अगर आप इस तरह आगे वाला, तो ये पीछे वाला आपको इस तरह से नहीं दिखेगा। तो ये हो गया हमारा एक तरह का, ये दूसरा तरह का ये, और तीसरा वाला क्या हो सकता है यहाँ पर, ये 60 वाला था तो ये ज़ीरो वाला था, इन ज़ीरो के 60 बीच में कहीं से भी ये वाला हो सकता है, यहाँ से यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, ज़ीरो से 60 के बीच में कहीं पर हो सकता है। यही सब ये तीनों टाइप इन्हीं के हैं, ये स्टेगर्ड का है, ये इक्लिप्स्ड का, और ये इसके का। फिलहाल मैं इसके एंगल को बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब इक्लिप्स्ड की डिफिनीशन आपने देख लिया क्या है, इक्लिप्स्ड की डिफिनीशन है कि उसमें एंगल जो होगा टर्सनल एंगल वो जीरो डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखें, अगर बात कर रहे थे हम कन्फर्मेशन ऑफ एथेन की, तो एथेन का फार्मूला हो जाएगा CH3। एग्जाम्पल लिखे यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ये तो आपको पता है ना, कन्फर्मेशनल में क्या था, रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये CH3 हो गया। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये सी इस तरह से और ये सी इस तरह से, और इसका एच, एक एच यहाँ पर, ये एच और ये एच, ये हो गया। अगर आप इस कार्बन को ना दिखाकर कुछ इस तरह से दिखाएं, इसको डॉट के फॉर्म में, जिस तरह हम हमारा दिखाया था इस तरह से, ये रहा एच और ये रहा एच, ये सारे एच, इस तरह से भी आप इस जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कार्बन कार्बन दिखा करके। और अगर हम कार्बन ना दिखाना चाहें तो यहाँ पर हम एक डॉट या फिर जिस तरह हमारा बेंजीन में कोना या फिर कुछ इस तरह से निकला होता है ना, जी जहाँ 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 पर हमारा नोखा या फिर कोना जिसे कहें, वो वहाँ पर हमारा कार्बन होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये हमारा कार्बन, ये हमारा कार्बन इस तरह से है, इसको हम कहते हैं सहार्स, जिसको मैं अगले आने वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा सहार प्रोजेक्शन। फिलहाल हमें इस तरह से इक्लिप्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो हम इससे नहीं, एक न्यूमन प्रोजेक्शन होता है इसको भी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं इक्लिप्स्ड, स्टेगर्ड एंड इसके बारे में इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कैसा होता है।
तो इक्लिप्स के लिए अगर आप न्यूमैन बनाएंगे तो सबसे सही होगा। तो अगर मान लीजिए ये फ्रंट वाला कार्बन, इसको आप वन लीजिए और इसको टू, तो सबसे पहले वन वाले कार्बन को हम क्या करते हैं, वन वाले कार्बन को हम दिखाएंगे डॉट से, ठीक है। तो और इसको इसके बीच में कितना बॉन्ड है, तीन, एक एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये तीन बॉन्ड, ये इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। और ये जो अब दूसरा वाला ये कार्बन है, इसको हम दिखाएंगे थोड़ा सा स्फीयर से। ये बनाने का ये मतलब है कि ये जो आपका डॉट वाला है ये ऊपर की साइड है और ये जो स्फीयर वाला है ये बैक साइड है। तो ये अब हम इक्लिप्स बना रहे हैं, तो इसके हम जस्ट पीछे ही 0 डिग्री टर्सनल एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके पीछे से यहाँ से एकदम इसे सटा हुआ रहेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि ये पता चले। तो ये हो जाएगा हमारा इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों जो आपको देख रहे हैं वो 0 डिग्री है, बट इस पर बनाने में थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि आप इसके पीछे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, या तो फिर आप इसके ऊपर से ही सीधा इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि इसके एकदम जस्ट पीछे है। किस तरह से मैं इसको थोड़ा सा इससे दिखाने की कोशिश करूं, जैसे कि ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारा एक ये कार्बन और ये एक ये कार्बन, ये दो कार्बन है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, इसके बीच में बॉन्ड है और इसमें वो बॉन्ड नहीं दिख रहा है आपको, ये फ्रंट कार्बन है और ये इसके ये जो स्फीयर वाला है वो रियर कार्बन। तो ये फ्रंट कार्बन ये रहा और इसके बीच में एक बॉन्ड है और ये इसके पीछे ये रियर कार्बन ये रहा, ये फ्रंट ये रियर, मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। और ये तीनों बॉन्ड यहां पर इस तरह से लगे हैं, एक यहां पर, दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, देखिए ये तीन बॉन्ड है, अब इसके पीछे एक बॉन्ड इस तरह से लगा है, फिर जिस तरह से ये वाला है इसके पीछे भी इसी तरह से एक और है जो आपको दिख नहीं पाएगा, ठीक है। इसके पीछे जैसे कि मैं एक दिखाऊं, ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जस्ट पीछे, इस वाले बॉन्ड से इसके पीछे कुछ इस तरह से होगा जो कि आपको इस तरह से दिखेगा नहीं, ठीक है, इस बॉन्ड के एकदम पीछे होगा, ठीक है। इस तरह दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, पहले ये समझिए, ये तीन बॉन्ड है, ये तीन बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर की तरह है, फिर इससे एक बॉन्ड लगा हुआ है इसके, ये मान लीजिए अगर आपका फ्रंट कार्बन है ये वाला फ्रंट कार्बन, तो इसके पीछे एक बॉन्ड और होगा, एक बॉन्ड ये होगा और इसके पीछे सेम ऐसे ही लगा हुआ होगा ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, तो इसे हम कहेंगे इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और इस बॉन्ड के बीच में अगर मान लीजिए ये इसके पीछे एकदम ऐसे लगा हुआ है जो आपको इस तरह से करने से दिखेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसके इस ब्लैक वाली पेन के पीछे आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, देखे अगर आप देखें इन दोनों के बीच में जो एंगल वो ज़ीरो होगा, एकदम कुछ इस तरह से आपको दिखेगा नहीं। तो इक्लिप्स्ड में ये होगा, और स्टेजर में क्या होगा मैं भी उसको इसी तरह से समझा देता हूँ। पहले स्टेजर में क्या होगा, ये बिल्कुल इसके हाफ डिस्टेंस पर आपको हाफ इस तरह से दिखेगा, ये आपको हाफ दिख रहा है इधर, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल हाफ, ये 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेजर। और इसको में इसके में क्या होगा, वो ये 0 से 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ से 0 से 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा दिखाना मुश्किल ही है, मैंने कोशिश की है, इसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने कोशिश की है, अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छा है। तो ये है हमारा इक्लिप्स्ड, ये हमारा फ्रंट कार्बन, इससे एक बॉन्ड लगा हुआ है, फिर इसके पीछे ये बैक वाला कार्बन है, फिर इससे लगे हुए ये तीन बॉन्ड जो एक दूसरे के ऊपर हैं, जैसे ऊपर नहीं मतलब तीन आगे हैं तो तीन पीछे हैं, ये बीच में एक बॉन्ड है जो एकदम इसको एक दूसरे को कवर कर रहे हैं इस तरह से एकदम
आगे वाला देखेंगे तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, तो इन दोनों के बीच में ट्रसनल एंगल जो होगा वो जीरो होगा। यह हो जाएगा हमारा इक्लिप्स कन्फर्मेशन। अब देखें अगर हम स्टेजर्ड स्टेजर में क्या होगा, हैविंग 60 डिग्री टर्सनल एंगल इज नोन एज स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। ये हो जाएगी इसकी डिफिनेशन। तो इसमें क्या होगा, वही हमारा ये फ्रंट कार्बन अगर हम इसे लें, ये अगर इस तरह से है तो इसके बीच में 60 डिग्री यानी कि ये इस तरह वाला, अगर आप इसको इसके ऊपर ला कर रखेंगे तो ये वाला बांड यहाँ पर दिखेगा और ये वाला बांड इधर और ये वाला बांड इधर और ये बीच वाला बांड बीच में रहेगा जो आपको नहीं दिखेगा। तो अगर ये आप इसको इस तरह से इमेजिन करेंगे इसको बाहर ला करके, तो ये आएगा इसके बीच में यहाँ पर और ये वाला आएगा यहाँ पर, ये वाला आएगा यहाँ पर और ये वाला आएगा यहाँ पर और ये बीच वाला बांड नहीं दिखेगा और ये वाला बीच बांड इस तरह से रहेगा। यहाँ पर हमारा यच है, तो अगर हम इसको बनाएं हम न्यूमन वाले में, न्यूमन प्रोजेक्शन में, तो पहले इस फर्स्ट वाले कार्बन को हम दिखाते हैं नंबर वन ओबी डॉट से, ये हो जाएगा हमारा यच, ये हो जाएगा यच, ये हो जाएगा यच, ये हो गया फर्स्ट वाला। और दूसरे वाले को दिखाएंगे हम स्फीयर से, तो इसके इसका कार्बन कहाँ है, इसका एक इसकी हाफ डिस्टेंस पर, मतलब इन दोनों का जो 120 एंगल है इसके बीच बीच से जाएगा, यानी कि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है ना, तो ये इस तरह से होगा, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेजर। आपको ये याद रखना है कि अगर ये फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है तब जाकर ये है, ये उसी के ऊपर है नहीं, एक बॉन्ड के थ्रू है ये बॉन्ड जो हमें इसमें दिख नहीं रहा है। ये हो जाएगा हमारा स्टेगर्ड। अब हम देख लेते हैं हमारा एक बचा हुआ है स्क्यू। स्क्यू में क्या होगा, इज हैविंग 0 to 60 डिग्री टर्सनल एंगल इज नोन एज इसकी कन्फर्मेशन। 0 से 60 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल होगा, कोई भी टर्सनल एंगल, तो उसे हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज। तो इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं, ये रहा हमारा फ्रंट कार्बन, इसको मैं इस तरह से अगर दिखाऊं, यहाँ पर एच, और दूसरे वाले कार्बन को हम दिखाते हैं स्फीयर से, तो 60 डिग्री हमारा यहाँ से अगर जाएगा तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये 0 से 60 डिग्री बीच में कहीं पर हो, यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ से अब 60 डिग्री हमारा अगर यहाँ पर आ रहा है तो इन दोनों के बीच यहाँ से, तो ये वाला जो हमारा कन्फर्मेशन होगा वो होगा हमारा स्क्यू कन्फर्मेशन। ये हो जाएगा हमारा स्क्यू कन्फर्मेशन। ये हमारा इक्लिप्स था, अगर हम इक्लिप्स बनाएं तो इक्लिप्स बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो भी हम बनाएं यहाँ पर, अगर हम इसके पीछे कार्बन जो दिखा रहे हैं इससे एकदम पीछे एकदम जो सटा हुआ है यहाँ पर, इसको हमने इस बॉन्ड के इधर दिखाया है तो इसको इस बॉन्ड के इधर दिखाना है, ना कि अगर आप मान लीजिए यहाँ से अगर आ रहे हैं तो आपको इधर से मिल रहा है पहले ये फ्रंट वाले कार्बन का हाइड्रोजन, फिर इसके बाद जब इधर आए हैं फिर इसके बाद मिला ये आपको रियर कार्बन वाला, फिर आप जब इससे आगे आएंगे फिर से आपको मिलेगा ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, फिर उसके बाद मिलेगा यहाँ से रियर कार्बन वाला यहाँ पर,
अब फिर यहाँ से आएंगे तो फिर से फ्रंट कार्बन वाला हाइड्रोजन मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगा ये। अगर आप इस हाइड्रोजन को अगर आप यहाँ पर दिखाएंगे, मतलब ये दोनों साथ साथ में आएंगे, ये पहले बैक वाला हाइड्रोजन फिर उसके बाद फिर से बैक वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला आपका स्ट्रक्चर जो है हमारा गलत हो जाता है। तो अगर आपको दिखाना है तो इसके इधर थोड़ा सा दिखाएंगे हम, तो एक लिफ्ट में ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी स्टेजर में तो 60 डिग्री होगा, वो तो अपने आप ही अलग हो जाएगा। ये हमारा 60 डिग्री अगर होगा तो यहाँ से एक, यहाँ से ये, इसमें कोई गलत नहीं होता जल्दी। इसी में थोड़ा सा ये इधर, अगर आपने इसको इधर बनाया, अगर इसको इधर बना देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने समझाया समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।